टुनिशा शर्मा के सुसाइड केस में आज मुंबई के कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान एक्ट्रेस की जिंदगी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। कोर्ट में बताया गया कि शिजान खान से ब्रेकअप के बाद टुनिशा की जिंदगी में अली नाम का शख्स आया था। इस शख्स से ही टुनिशा ने अपनी जिंदगी के आखिरी 15 मिनट में अली से बात की। अली के साथ टुनिशा के दोस्ती की खबर उनकी माँ को भी थी। एक्टर शिजान खान के वकील शैलेंद्र मिश्रा ने सुनवाई में खुलासा किया है। वकील के मुताबिक शिजान से ब्रेकअप के बाद टुनिशा ने डेटिंग ऐप टिंडर ज्वाइन कर लिया था। यहां पर उनकी बातचीत एक अली नाम के लड़के से शुरू हुई। अली के साथ टुनिशा डेट पर भी गई थी। टुनिशा ने 21 से 23 दिसंबर तक अली से बात की थी। 23 दिसंबर को एक्ट्रेस ने अली के फोन से अपनी माँ को वीडियो कॉल कर उनसे बात की थी। अपनी मौत से 15 मिनट पहले टुनिशा ने अली से वीडियो कॉल पर बात की थी, तो शीजान नहीं बल्कि अली एक्ट्रेस के टच में थे। सुनवाई के दौरान शीजान के वकील ने यह खुलासा भी किया है कि टुनिशा कुछ ऐसी दवाइयों का सेवन कर रही थी जो खतरनाक है। इन दवाइयों को बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए।